बीते करीब 10 दिनों से नारियल पानी पीने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इस दौरान नारियल पानी के दाम में भी इजाफा होता जा रहा है। जो नारियल पानी 10 दिन पहले 40 से 50 रुपए का मिलता था, वो अब 70 से 80 रुपए का बिक रहा है। कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही नारियल पानी की खरीदारी भी तेजी आई है, क्योंकि बीमारी से अपना बचाव करने के लिए या तो होम आइसोलेशन में इलाज कर रहे लोगों के लिए नारियल पानी का सेवन करना बेहद लाभकारी है, क्योंकि नारियल पानी पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है और इससे संक्रामक रोगों का खतरा कम होता है। गाजियाबाद में नारियल पानी बेच रहे दुकानदार राशिफ खान कहते हैं कि पिछले 10 दिनों में नारियल खरीदने वाले लोगों की संख्या दोगुनी हो गई है। पहले लोग या एक या दो नारियल ले जाते थे, लेकिन बीमारी के बढ़ते एक साथ ही लोग नारियल भी ज्यादा से ज्यादा पैक करा ले जा रहे हैं। दुकानदार शशि कहते हैं कि पिछले हफ्ते उन्होंने मंडी से 75 रुपए प्रति नारियल खरीदा था, जिसके बाद उन्होंने 80 रुपए प्रति नारियल बेचा था। नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छी मात्रा में होते हैं, जिसमें थकान या कमजोरी लगने पर ताज़ा महसूस होता है। एक नारियल में लगभग 600 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। हमारे शरीर को रोजाना 2600 मिलीग्राम से 3400 मिलीग्राम तक पोटेशियम की आवश्यकता होती है, लिहाजा अन्य फल सब्जियों के अलावा अगर आप एक दिन में एक या दो नारियल पानी पीकर आदत डाल लेते हैं तो आपको कई रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती रहेगी। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक रोजाना नारियल पानी को खाने के साथ पिया जा सकता है। नारियल पानी पीने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, लेकिन इसके अधिक सेवन से लो ब्लड प्रेशर की शिकायत भी हो सकती है, इसलिए जरूरी है कि सही मात्रा में नारियल पानी पिया जाए। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।